नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम जानेंगे बैंक लॉकर्स के बारे में। आमतौर पर हम लोग अपने आभूषण जैसे कि सोने चांदी की वस्तु और महत्वपूर्ण दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर की सुविधा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बैंक में सामान जमा करने के बाद सालों तक उसे देखने तक नहीं जाते। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार साल में कम से कम एक बार बैंक लॉकर देखने की आवश्यकता होती है। अगर आप अपने बैंक के लॉकर को नहीं देखेंगे तो फिर बैंक कभी भी उस लॉकर को खोल सकती है। RBI के नियमों के अनुसार अगर आप लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो आपको अधिक समय मिल सकता है। जो लोग मीडियम रिस्क कैटेगरी में आते हैं, बैंक उनको केवल नोटिस भेजेंगे। अगर लॉकर 3 साल से ज़्यादा समय तक ऑपरेट नहीं किया गया तो बैंक ने अपने ग्राहकों के विभिन्न मापदंडों के आधार पर लो, मीडियम और हाई रिस्क की कैटेगरी किया है। यह कैटेगरी फाइनेंशियल या सोशल स्टेटस या व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति, ग्राहकों की लोकेशन और ग्राहकों के आधार पर किया गया है। बैंकों को किसी व्यक्ति को लॉकर आवंटित करने से पहले कुछ प्रक्रिया को फॉलो करना आवश्यक होता है। बैंक के लॉकर में रखे सामान की जिम्मेदारी ग्राहक की होती है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है या सामान चोरी हो जाती है तो ये जिम्मेवारी बैंक की नहीं होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से कहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला ना झाड़े। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के आदेश दिया है कि वो 6 महीने के अंदर लॉकर संबंधित नियम भी तय करें। अगर बैंक लॉकर लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है तो बैंक लॉकर धारक को नोटिस भेजकर बताएगा कि क्या आप लॉकर सुविधा को ऑपरेट करेंगे या सरेंडर करेंगे। लॉकर ऑपरेट ना करने की स्थिति में बैंक आपको लिखित में जवाब देने के लिए कह सकता है। अगर आप स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं तो बैंक आपको आवंटन को रद्द कर सकता है और उसे किसी और आवंटित कर सकता है। भले ही आप नियमित रूप से किराया दे रहे हों, लेकिन निर्धारित समय सीमा में खाते को ऑपरेट नहीं किया गया है। बैंक लॉकर खोलने के लिए बैंक को एक उचित प्रक्रिया का पालन करना होता है। इस लॉकर के बारे में ग्राहक को सूचित करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। यह एक लॉकर सुविधा लेने के समझौते का हिस्सेदार भी होता है। आइए जान लेते हैं कैसे लॉकर को लें। किसी भी व्यक्ति के लिए लॉकर लेना उसका निकट ब्रांच सबसे बेहतर होता है, जहां पर उसका अकाउंट हो। बैंक में लॉकर लेने के लिए आपको बैंक में एक आवेदन देना होगा। यदि वहां पर लॉकर उपलब्ध है तो बैंक और ग्राहक एक रिटेल एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें बैंक और ग्राहकों के बीच नियमों और शर्तों की निर्धारित और जिम्मेदारी को लेकर एग्रीमेंट किया जाता है। सभी बैंक लॉकर सुविधा के लिए ग्राहक के हर महीने एक निश्चित किराया वसूलते हैं। हर बैंक के किराए की राशि अलग अलग होती है। लॉकर को लेकर बैंक और ग्राहकों के बीच में डील होते समय यह भी तय होता है कि लॉकर का किराया, यानी कि जो कि विभिन्न बैंकों में अलग अलग है, कितना होगा। फीस की रकम लॉकर की साइज और लॉकर पर भी निर्भर करता है। बड़े लॉकर की ज़्यादा फीस लगती है। लॉकर को बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखना चाहिए ताकि डेबिट कार्ड के डायरेक्ट उसका रेट कर सके। सरकारी बैंक एक लॉकर के लिए सालाना लगभग 1,000 से 7,000 रुपये का फीस लेती है। इसके अलावा अगर हम निजी बैंक की बात करें तो यह सालाना 3,000 से 20,000 रुपये तक का फीस लेती है। फीस बैंक के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इसका एक अनुमानित फीस हमने आपको बताया है। बैंक में लॉकर में अगर आप अपना सामान रखते हैं तो आप नियमित रूप से उसकी फीस जमा करें और साल भर में कम से कम एक बार जरूर खोलकर देखें, नहीं तो बैंक आप पर उचित कार्रवाई भी कर सकती है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।